दोस्तों आज इस इन्वर्टर का लोड कैपेसिटी आपके सामने लाइव टेस्टिंग होगा। ये 48 वोल्ट 6200 वाट हाइब्रिड में है, इसकी लाइव टेस्टिंग होगी। ये कितना लोड चलाता है और कितना ड्रॉप करता है, इसका आउटपुट लाइव दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, आधा बिल्कुल मत देखना। जो चीज़ें मैं लोगों को दूंगा एकदम क्वालिटी दार दूंगा। 3000 से आप बुकिंग करवा सकते हैं और मात्र 44000 में फर्स्ट क्लास नंबर वन का इन्वर्टर पा सकते हैं। चलो अपना हम लाइव टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी प्रेजेंट में 180-90 वाट के समथिंग लोड है, मतलब कि फैन ऑन तभी बंद है, मात्र लाइट चल रहा है। और इन्वर्टर में भी आप देख सकते हैं इस समय 230 आउटपुट है। और यहाँ पे मैंने 8500 वाट का इस पर पैनल मैंने कनेक्ट किया है, 8500 वाट का। टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग इस समय 12 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग समय। और देखो यहाँ पे मेरे सोलर का दो वायर ए है और दो वायर ए है, मैंने दोनों को पैरेलल के इसमें लगा दिया है। 8500 का वाट का ये सपोर्टिंग कर रहा है। अब हम लोड डालते हैं, पहले हम हीटर चालू करेंगे यहाँ पे। तो हीटर चालू करने के लिए यहाँ पे हम स्विच को दो पे करते हैं, मैंने स्विच को दो पे कर दिया। इसके बाद ये दोनों रॉड हमारा एक्टिवेट हो गए, चालू हो गए। फिर मैं इसको ऑन करता हूँ पीछे वाले को। अभी इसमें लाइट नहीं आया है, अभी लाइट क्यों नहीं आया है, हाँ उसमें लाइट आ गया देखो। और ये मैंने फिर से ऑन किया, स्विच मैंने बंद कर दिया था यहाँ पे। तो मैंने सारे हीटर को यहाँ पे ऑन कर लिया है, इसमें से कुछ राड हमारे हीटर के जल गए हैं। अभी लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय 3500 वाट समथिंग लोड हो गया है और आउटपुट 1% को ड्रॉप नहीं हुआ है। 1% आपके सामने लाइव दिख रहा होगा डिस्प्ले पैरामीटर पे। और आपको इन्वर्टर में देखो यहाँ पे लोड देख लो 3.4 किलोवाट, और यहाँ भी आप देख लो एकदम लाइव टेस्टिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई 420 नहीं आपके सामने दिख रहा है। अब चलते हैं हम एक बार अपने रूम का, एक ब्लोअर है जो गर्म हवा देता है, गर्म हवा पास करता है, उसको भी ऑन करते हैं। तो फ्रेंड ए है, मतलब कि इसका वाटेज तो मुझे पता नहीं, ये भी काफ़ी हैवी है, इसको भी ऑन करता हूँ। देखो ऑन हो गया है, इसकी हीटिंग चालू हो गया है। अब लोड देखता हूँ, इन्वर्टर के पास चल के आपको दिखाता हूँ कितना इसका लोड हुआ है। फिर अभी यहाँ पे आपके सामने 4900 वाट समथिंग लोड हो गया है, 5000 पकड़ लो आप इसको। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखो लिखा है KW, आपको दिख रहा होगा, कोई 400 की धोखाधड़ी नहीं है आपके सामने, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं लोड और बढ़ाता हूँ, तो एक बार मैं अपना घर का हीटर ऑन करता हूँ, जस्ट सेकेंड वेट मैं ऑन करता हूँ। तो हीटर यहाँ पे देखो ऑन है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे लाल धीरे धीरे होना चालू हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 5 किलोवाट का लोड पूरा हो चुका है, इसके पहले भी 4900 वाट था, पर हीटर हमारे घर में मतलब कि पहले से पानी गर्म करने के, जैसे मैं वीडियो शूट करने गया बना दिया, तो मतलब तो अब मेरे सारे लोड एक्टिवेट हो चुके हैं। एक बार मैं एसी को ऑन करता हूँ, यहाँ आपके सामने लाइव जो है एसी। अब एसी को ऑन करने के लिए मुझे जो है इसमें मैं लगाया हूँ ये गर्म करने के लिए ब्लोअर जो है, तो एक बार मैं एसी का जुगाड़ लगाता हूँ। एसी मुझे कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड, चलो मैं एसी लगाता हूँ आपके सामने जो है एसी लगाने के लिए। तो फिलहाल मेरा लग नहीं बचा है, क्योंकि ये इसमें लग नहीं पाएगा, कम पड़ रहा है एसी का सिस्टम। इसका जो सॉकेट है 16 एम्पियर का है, इसलिए एसी तो नहीं लगा पाऊँगा फ्रेंड। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, अभी मेरे पास तो लगाने के लिए जो सारे सिस्टम थे सब एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो आप इस पर 5.5 से 6 किलोवाट के लोड डाल सकते हैं, बट इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए आप इस पर 5000 का लोड कंटिन्यू डालेंगे, ए इन्वर्टर आपका कभी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे अपना नज़र डालना, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, 230 है, 1% ड्रॉप नहीं हुआ है। तो फ्रेंड ए इन्वर्टर पे, जो इन्वर्टर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर आप आराम से 5-5.5 किलोवाट का लोड डाल के रन करा सकते हैं बिना दिक्कत प्रॉब्लम का।
बट मेरा सलाह अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा रहेगा कि अगर कंपनी इस पे 6200 वाट का दावा करती है बट आप इस पे 5000 5500 इससे ऊपर लोड अगर आप डालेंगे तो इन्वर्टर तो लोड चलाएगा बट इन्वर्टर की लाइफ कम रहेगी। ठीक है, मैं अपना रिव्यू जो मैं काम कर रहा हूँ एक लंबे समय से वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये मत सोचो कि ये इन्वर्टर चला नहीं पाएगा, इन्वर्टर चला लेगा, आपको टेस्ट करना। बट मेरी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पर 5000 से 5500 वाट का लोड डालिए। 5000 वाट बहुत है। अभी आप देखो कंटिन्यू है, किसी टाइप का कोई हीटिंग नहीं है। यहाँ पे वायर भी आप देख सकते हैं, कोई वायर हीटिंग नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। यहाँ पे देखो ये वायर एकदम पतला लगाए तो भी 5000 वाट का लोड संभाल ले रहा है। तो फ्रेंड ये इन्वर्टर काफ़ी बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है, लाइव शूटिंग हो रहा है, मैंने वीडियो कहीं पूछ नहीं किया है। हाँ, मैंने चालू बंद करने के लिए मैं गया थोड़ा वीडियो को मैंने कि अभी मैं इस पर चाहूँ तो एसी चला सकता हूँ, पर एसी के लिए सॉकेट नहीं है 16 एम्पीयर मेरे पास। फिर भी एसी मेरा 24 टेम्परेचर पे रन करा देगा बिना दिक्कत का, बिना प्रॉब्लम का। तो फ्रेंड आपने देखा कि कोई बिजली नहीं है, सोलर से हमारा सप्लाई काम कर रहा है, एक नंबर का इसकी एक क्वालिटी है, और जो मैं दे रहा हूँ क्वालिटीदार दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों से इतना दावा करूँगा कि जो मैं बोलता हूँ वो चलेगा। ये 100% हाइब्रिड है, डबल आउटपुट इसके अंदर है, साथ में इसमें वाईफाई सिस्टम है, बीएमएस सिस्टम दिया गया है, पीछे आप यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। आप इस तरीके से अपना बुकिंग करवा सकते हैं मात्र 3000 रुपये दे के। जब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, जब मैं शिपिंग करूँगा तो पूरा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ये प्रीमियम क्वालिटी का है दोस्तों, 44000 वाला सेम रहेगा, सेम काम रहेगा, थोड़े मोड़े अंतर रहते हैं, तो इस तरीके से आपका काम रहेगा। और अपनी लाइफ देखा, कोई इसमें झूठबाजी नहीं है। ठीक है, तो आपने देख वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और इस नोटों को लेना है मुझे संपर्क करना। यहाँ पे लोड भी आप देख लो, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है, देख लिया आपने, कहीं पे एसी इनबिल्ट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नवरुसा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।